नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल, हार्दिक स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, हाल ही में एक पेपर हुआ है यूपी के अंदर राजस्व लेखपाल का। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर अभी कल ही हुआ है, रविवार को, और पेपर में भाई साहब एक गरीब और एक ईमानदार और एक सच्चे स्टूडेंट्स का गला काट दिया है। संपूर्ण जानकारी आप देखिए, बिना समय गवाए बोर्ड पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की चर्चा हो रही है। 8085 पदों पर कल ही जो है रविवार को परीक्षा हुई है। परीक्षा परिणाम की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि मार्च 2023 में जारी होगा, लेकिन भाई साहब हम परीक्षा परिणाम का क्या करेंगे, पहले तो हम पेपर की ही बात करेंगे। आवेदन जो किया है स्टूडेंट्स ने, 2.5 लाख से ऊपर अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किया था। परीक्षा में कैंडिडेट्स जो बैठे थे, परीक्षा में जो पार्टिसिपेट हुए थे स्टूडेंट्स महिला और पुरुष, 2,12,000 प्लस कैंडिडेट्स ने कल ही रविवार को एग्जाम दी थी। अब हम बात करेंगे आखिर क्या सच है इस एग्जाम्स का, आखिर क्या है इस एग्जाम्स का खुलासा। दोस्तों इस परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली दिखाई दे रही है। पैसे देकर जो है डमी कैंडिडेट्स बैठाए गए हैं, यानी कि ओरिजिनल स्टूडेंट्स की जगह जो सॉल्वर होता है, जो पेपर करना जानता है, वो अभ्यर्थी बैठा है, नकली अभ्यर्थी बैठा है। काफी अभ्यर्थियों पर ब्लूटूथ भी मिले हैं एंड नकल करते भी पकड़े गए हैं। और अब तक सामने आ रही न्यूज कवर के माध्यम से हम बताएंगे कि 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की छापेमारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दो गैंग जो है पकड़े गए हैं, दो गैंगों का खुलासा हो चुका है। ये गैंग जो है सॉल्वर बैठाती है, ब्लूटूथ से नकल करवाती है, अनेकों प्रकार से धांधलियां करवाती है। आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, श्रीमान प्रवीर कुमार से हम सवाल करना चाहेंगे, क्या ऐसे ही गरीब और ईमानदार स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा। हम मानते हैं कि आपने 2 लाख से ऊपर जो है कैंडिडेट्स की परीक्षा दिलवाई है, आपके ऊपर भारी जो है वजन भी था, आपने जो है सिस्टम में कहीं ना कहीं मेहनत भी की होगी, लेकिन वो मेहनत आपसे सही नहीं हुई। श्रीमान आपने जो पेपर करवाया है वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हो चुका है। अभिषेक क्लासेस यहां पर कहता है कि गरीब और मजदूर के साथ अगर ऐसा होता रहा, गरीब किसान के अभ्यर्थी के साथ ऐसा होता रहा, तो एक ना एक दिन इस भारत देश के अंदर बेरोजगारी का जो पारा है वो आसमान छू लेगा। आप देख लेना, जिस तरीके से बेरोजगारी दर दिनों दिन बढ़ रही है, उसका यही कारण है। ये तो खैर यूपी लेखपाल की जो भर्ती है हाईलाइट हो चुकी है, सबको मालूम है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन प्रिय दोस्तों ऐसी भी बहुत भर्तियां हैं, ऐसे भी बहुत पेपर है जिसमें गुपचुप काम होता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है, और जो बेचारा मेहनती स्टूडेंट्स है वो कट ऑफ में रह जाता है, और जो इस तरीके के अभ्यर्थी है वो जॉब ले लेते हैं। क्या ये न्याय सही है, क्या ये कानून सही है? दोस्तों हमें नहीं लगता कि ये कानून जो है सख्त है। ऐसा कानून बनाइए जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, एक को आप फांसी दे दीजिए, सरेआम चौराहे पर लटकाकर फांसी दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बाकी के जो उसके पीछे गैंग है वो अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाएगी। उनको डर नहीं है,
उनको भय नहीं है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो मुलायम है, कठोर नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है वो ढीला है, सख्त नहीं है। लेकिन अगर सख्त नहीं हुआ, युवा अगर एक साथ नहीं आए, तो भाई साहब इतनी ज़्यादा जो है गरीबी पैदा हो जाएगी, तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप देख सकोगे कि जो बेचारा अन्नदाता रहता है, जो रात दिन खेतों में मेहनत करके फसल तैयार करके ऊंचे दर्जे का आदमी है, उसको जो है अनाज देता है, रोटी देता है। एक किसान जिस दिन उसने फसल को करना छोड़ दिया, जिस दिन उसने खेती को करना छोड़ दिया, ये भाई साहब भूखे मर जाएंगे ये लोग। इसलिए मेरा तो बस यही कहना है, दर्द बहुत है सीने में, पर क्या करूं यारो, अकेले से कहने से कुछ नहीं बनता है। अब इसे क्लासेस बनाने का मेरा यही मकसद था, मैं प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक भर्ती में खुलासा करता रहता हूं, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं सारी बातें उगेल देता हूं एक स्टूडेंट्स के सामने। स्टूडेंट्स मेरा छोटा बड़ा भाई बहन है, अगर उसकी फीलिंग मैंने नहीं समझी तो मेरा अभी से क्लासेस बनाने का कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा जो है सामने बैठ कर देखा है, इसलिए मैंने अभी से क्लासेस को बनाया ताकि मैं इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करता रहूं। ये तो हाईलाइट हो चुकी है भाई साहब, इसलिए आपको मालूम है पर्दे के पीछे क्या होता है, ये हमें पता है। आप समझदार बनिए, जिस दिन आप सच को समझना सीख गए, सच को परखना सीख गए, समझ लेना आप एक महान व्यक्ति कहलाओगे। कहां पर आपको सही जानकारियां दी जा रही है, कहां पर आपको झूठी जानकारियां दी जा रही है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। वर्तमान टाइम का दौर जो चल रहा है ये बहुत कठिन है, इसमें गवर्नमेंट जॉब लेना काफी डिफिकल्ट मामला हो चुका है। एक कम पढ़ने वाला स्टूडेंट्स भी आज जो है रोजगार ले सकता है, लेकिन इस तरीके का सिस्टम ने ऐसा मामला बिगाड़ दिया है। जब फाइनल कट ऑफ निकल कर आती है ऑफिशियल, तो नानी याद आ जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये क्या हो गया है। 100 में से 100 नंबर ले आते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे नियम नहीं है कि 100 में से 100 नंबर कोई ला सकता है। पैदा ही नहीं हुआ है कोई माई का लाल जो 100 में से 100 नंबर ले आए प्रत्येक पेपर में। लेकिन जब ऐसे आप सॉल्वर बैठाओगे तो ये ही होता रहेगा। आइए यूथ मेरे साथ, आइए युवा मेरे साथ, हम सब एक साथ मिलकर झूठी दुनिया का पर्दाफाश करेंगे और हमारे आगे के भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। अब इसे क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है एंड लाइक का बटन दबा देना है। ये इंफॉर्मेशन थी, आपको मालूम भी होगा, लेकिन अभी से क्लासेस का फर्ज है कि झूठी दुनिया का पर्दाफाश करना। तो ये मैंने थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन बताई है, सिस्टम को सुधारना चाहिए। लास्ट में एक और बात रह गई है, क्या पेपर निरस्त होगा? जी हाँ, 100% पेपर निरस्त होने की कगार पर है, क्योंकि अब मामला ऊंचा सिस्टम पर चला गया है। न्यूज चैनलों के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि राजस्व लेखपाल के पेपर में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। इसलिए प्रवीर कुमार जी, कहीं ना कहीं आपको इस चीज पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक गरीब और ईमानदार और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ न्याय करना होगा और सीधे साफ तौर पर बात की जाए, इस पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।